सिंगरौली जिले के ओटगढ़ी ग्राम पंचायत में करोड़ों का हुआ धांधली, लगाया ग्रामीणों ने आरोप। ग्रामीणों ने पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल एवं प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल से भी पंचायत के सदस्य के बारे में उच्च स्तरीय जांच के लिए मुलाकात की। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पटेल द्वारा जांच के आदेश दिए गए, लेकिन मंत्री जी के आदेश का भी अनदेखी किया जा रहा है। लोगों द्वारा बताया गया है कि कागजों पर पूरा हो गया पंचायत का विकास कार्य, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी जीवित हैं, उन्हें भी मृत घोषित कर सूची के नाम हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सही हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया जा रहा, झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं लोग, रोड का भी बुरा हाल है। आप क्या कहेंगे? मेरे ग्राम पंचायत में रोड की समस्या तो है ही है, ये तो आप एक रोड देख रहे हैं, लेकिन ऐसी कई सारी रोडें हैं जो कि बहुत ही दयनीय हालत में। और इसके अलावा जो सरपंच द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसको ग्रामवासियों को कोई भी जानकारी नहीं है कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर निवासी लोगों को मृतक दिखा करके उनका BPL सूची से नाम विलुप्त कराया गया है। कई सारे लोग अभी भी जीवित हैं लेकिन उनको मृतक पेश किया गया है। और जबकि हमारा ओड़गड़ी ग्राम पंचायत कंपनी से प्रभावित एरिया है और यहाँ लगभग 20% की आबादी विस्थापित लोग भी रहते हैं, जो यहाँ CSR का फंड मिलना चाहिए, CSR का मदद मिलना चाहिए, उसका भी कार्य यहाँ पर अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं कराया जा रहा है। जबकि अदर ग्राम पंचायत में, यहीं पर पड़ोस का ग्राम पंचायत है बाघाडी, यहाँ पर सारी सुविधाएं CSR के द्वारा ले ली जाती हैं, लेकिन हमारे ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के निवासियों को नहीं मिलती। और इसी तरह आवास योजना में भी सिर्फ चुनिंदा लोगों को आवास मिल रहा है, शौचालय का भी लाभ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। जितनी भी सरकार की मूलभूत योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, वास्तव में हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं।